प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसे लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को गोरखपुर पहुंचेंगे और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके मद्देनजर गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने जा रही इस ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया। खास बात ये है कि देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक की दूरी मात्र 4 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। आज वंदे भारत का जो है ट्रायल किया गया है और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रायल रहा है, और सभी अधिकारियों ने अपना और सभी कर्मचारियों ने और हमारे सीनियर सुपरवाइजर्स ने पूरा गहन निरीक्षण किया गया है और इसके अंदर जो है पूरी तैयारी है आगे काम करने के। ट्रायल कैसा रहा? ट्रायल बहुत अच्छा रहा और बहुत ही सुचारू रूप से ट्रेन चली है। बहुत ही एकदम मैं तो कहूँगा कि बहुत ही एक हमारे अच्छे वातावरण के अंदर जो है और अच्छी यात्री सुविधाओं के साथ हम रेलवे तैयार है। सर आगे कितने समय में पहुंचाएगी गोरखपुर से लखनऊ? टाइमिंग का अभी आपको सूचना दिया जाएगा, टाइम टेबल का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसे लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है क्योंकि इस वजह से वो बहुत ही कम समय में गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय कर सकेंगे। इससे यात्रियों का काफी समय बच सकेगा। हम यही कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय से, ये बहुत अच्छा हुआ जो हम लोग के लिए ये सुविधा दिए यहाँ लखनऊ से गोरखपुर के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनके आने से बहुत सी चीज़ अच्छी होती जा रही है, रेलवे भी सुधार में आता जा रहा है। बस यही है कि ऐसे चलता रहे और अगली बार आने को उनको फिर प्रयास किया जाएगा जिससे कि सब लोग संतुष्ट रहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि वंदे भारत ट्रेन हमारे भारत में मोदी जी ने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।